नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा राजनीतिक दल दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करें अन्यथा नहीं मिलेगी छूट। राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आयकर विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी। सरकार ने बुधवार को पेश 2017-18 के बजट में चुनावी बांड शुरू करने का निर्णय किया है। बैंकों से यह बांड खरीदने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा और इसके लिए कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को आयकर से छूट मिली हुई है, लेकिन आधे दल ऐसे हैं जो अपनी आय और निवेश का विवरण विभाग में प्रस्तुत नहीं करते। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट के साथ प्रस्तुत वित्त विधेयक में आयकर कानून में ऐसे संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत पार्टियों को हर साल दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करना जरूरी हो जाएगा। अधिया ने कहा कि पार्टियों ने दिसंबर तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो उनकी कर छूट खत्म हो जाएगी। हम इसके लिए उन्हें नोटिस भेजेंगे, इससे कड़ा अनुशासन लागू होगा। हमारा अनुभव है कि 50% राजनीतिक दल पिछले 2 साल से आईटीआर दाखिल नहीं करा रहे हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे दल हैं जिन्हें आईटीआर दाखिल करने की परवाह नहीं लगती। उन्होंने कहा कि यदि इन पार्टियों ने दिसंबर तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो वे कर छूट का लाभ गंवा सकती हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सामान देने के वादे के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सर क्रीक क्षेत्र में एक और पाकिस्तानी नौका बरामद, 3 दिन में मिली 4 नौकाएं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान, अफरा तफरी मची। CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियफ ने की H-1B वीजा की हिमायत। फोन पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से भिड़े डोनाल्ड ट्रंप। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।